मैं वसुधा का रोल कर रही हूँ और हमारी फिल्म का नाम हरियाणा है और ये हरियाणा पर बनी हुई है फिल्म, काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के कल्चर को दिखाती है। और सबसे पहले तो ये 5 अगस्त को आएगी, हाईलाइट कर लीजिए इसको, और मैं चाहती हूँ सब आके देखें। मुझे लगता है ये फिल्म हरियाणा की जो बेसिक इमेज हमारे माइंड में आती है जब हम स्टेट का नाम सुनते हैं, उसको उससे अलग हट के उसके बियॉन्ड जाके काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है, लाइक लोगों का लाइफस्टाइल और वहाँ पे लोग कितने इनोसेंट होते हैं, उनको प्यार होता है तो कैसा रिएक्शन होता है, क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं, लड़कियाँ कैसी हैं वहाँ की। बहुत रियलिटी बेस्ड फिल्म है और आप सबको मज़ा आएगा देख कर। फिल्म हमने देखा है कि वन साइडेड अफेयर आलिया भट्ट के जैसे, वो क्या है सीन, थोड़ा वो जानना चाहिए। सर वो सीन इसका है तो जुगनू ज़्यादा बेटर आपको बता सकते हैं। मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम जुगनू है और यंग लड़का है, थोड़ा आवारा शैतान छोटा भाई, तो उसको आलिया भट्ट से प्यार हो गया, आपने ट्रेलर में देखा होगा, और उसको लग रहा है कि अब भाई आप रिश्ता लेके जाओ बॉम्बे और बात करो उससे। तो क्या फिर उसकी बात करें, वो तो मूवी में देखो आप, वही तो मजेदार, वही तो पॉइंट है, वो आपको मूवी देखना पड़ेगा। मूवी का कोई ऐसा सीन जो आपका इंटरेस्टिंग सीन रहा हो? मूवी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हैं यार, इनफैक्ट उनकी सर की स्टोरी में या इन लोगों की, दोनों की स्टोरी में, मेरी स्टोरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। मेरा एक फेवरेट सीन है जिसमें लैंग्वेज के ऊपर बात हुई है कि बाहर जाके हम थोड़ा इंग्लिश को लेके, जब हम दो लोगों को हिंदी बोलनी आती है पर हम फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करने की, तो उसके ऊपर भी एक पार्ट है, एक सीन है, वो मेरा एक्चुअली फेवरेट है। रोल क्या है आपका? मैं वही बताया आपको, जुगनू बहुत ही सबसे छोटा भाई है, तीन भाइयों की स्टोरी है, सबसे छोटा भाई जुगनू है। और छोटे भाई कैसे होते हैं, एकदम शैतान, उनकी सारी विशेष पूरी होती है, सब होता है, तो उसका बस यही सीन है। और हरियाणा से है और वो पढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि उसकी शादी कैसे हम सफ़र के साथ हो जो उससे प्यार करें, से आगे बढ़ती है जब उसे महेंद्र से प्यार होता है और महेंद्र उनके जीवन में आते हैं, और ये उसकी कहानी है, ये बिमला की कहानी है। फिल्म में और टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा, एक्चुअली हम लोग जब सेट पे होते हैं टेलीविज़न में, तो एक चीज़ जो दिन भर सुनाई देती है वो है टेलीकास्ट, क्योंकि आपको एक वो चिप भेजनी होती है चैनल को और वो टेलीकास्ट निकालना होता है। कहीं ना कहीं उस टेलीकास्ट के चक्कर में आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी बैक सीट ले लेती है, क्योंकि आप रोज़ शूटिंग करते हैं। फिल्म में ऐसा होता है कि आप एक किरदार निभाते हैं 1 महीना 30 दिन और पूरी तरह उसमें समर्पित हो जाते हैं, आपको वो टाइम भी मिलता है कि आप उसको जी सकें, और एक क्रिएटिविटी होती है पूरे टीम की होती है, एक एफर्ट होता है, पूरी फैमिली जैसे हम लोग काम करते हैं, उसमें से कोई भी एक कम या एक ज़्यादा नहीं होता, सब मिल के कोलैबोरेटिव एफर्ट बनाते हैं और पिक्चर बनाते हैं। टेलीविज़न में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है, तो वो एक डिफरेंस मैंने देखा फिल्म और टेलीविज़न में। हरियाणा कल्चर में आपको मैम सबसे अच्छे क्या लगा? मुझे हमारे पिक्चर का एक गाना है जो सर ने लिखा है, संदीप सर ने, उनका उस गाने का नाम है हरियाणा, टाइटल सॉन्ग है, उसमें है दूध दही घी का खाना, उसका नाम से हरियाणा। ये मैंने गांव में देखा क्योंकि वातावरण वहाँ पे इतना साफ़ सुथरा, हमारे जो हरियाणा के गांव हैं मैंने पहली बार देखे, इतने साफ़ सुथरे, जो नहर है वो इतनी सुंदर, आज कहीं ऐसा नहीं है जैसे शहरों में प्लास्टिक दिखता है आपको बॉटल्स कहीं पर, वैसा कहीं नहीं देखा मैंने, इतने सुंदर गाँव थे हमारे, और कुछ भी खा लो, मीठा पानी, खाना इतना अच्छा, इतना फ्रेश, पनीर खा लो तो ऐसा लग रहा है मतलब पहले कभी पनीर ही नहीं खाया, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट, तो ये मैंने देखा हरियाणा में खाना इतना, मतलब वातावरण और खाना, मुझे नेचर बहुत पसंद है। देखिए क्या है कि का टाइटल हरियाणा है, लेकिन हमने बहुत ठीक इसको जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि हम हरियाणा का जो जीवन है हम पूरे देश में पहुँचाना चाहते हैं। क्या है कि थिएटर रखते हैं रहती है सिर्फ हरियाणा में, डायलेक्ट यूज़ किया है और हमारे 90% एक्टर्स हरियाणा से ही हैं मूवी के अंदर, तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोजेक्ट की गई फिल्म। देखिए जैसे बोलते हैं ना, जैसे तो आपने बताया कि हरियाणा में कैसे डेंजर माना जाता है, तो बस उनका दिल कैसा है फिल्म के द्वारा हमने वही बताने की कोशिश की है। हरियाणा हरियाणवी लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, पहली बार इस फिल्म के अंदर हमने उनके दिलों को छुआ है, उनकी अगर जो रोमांटिक लाइफ किस तरह से मतलब उनके जीवन में रहती है वो बताने की कोशिश की है। 3 लव स्टोरीज़ हैं, एक मैं बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, बड़ा रॉब वाला आदमी है लेकिन उतना ही हंसमुख है, उतना ही परिवार से प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला है। फिर बीच वाला भाई रॉबी है जो
अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जयबीर का रोल प्ले कर रहा है, उसकी बड़ी पैशनेट लव स्टोरी है, छोटे वाला है जुगनू जो सबका लाडला है और जो फुकरे टाइप के रहते हैं ना, लाडले जो होते हैं तो उसका वैसा कैरेक्टर है, और क्या सभी उसे प्यार करते हैं, तो उस चक्कर में उसकी लव स्टोरी फैंटेसी बात। तो ये जो हरियाणा जो फिल्म है ये बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है, हरियाणा का जब नाम आता है तो वो हरियाणा बड़ा मशहूर है अपने मजाक के लिए, हरियाणा के लोग बहुत मजाकिया होते हैं, तो हरियाणा का अब तक आपने जाना है कि वो लोग मेडल्स लेके आते हैं, पहलवानी में बहुत होते हैं, सेहत पे बहुत ध्यान रखते हैं, थोड़े अक्खड़ होते हैं, रोबीले होते हैं। ये फिल्म जो है ये फिल्म उनकी लाइटर साइड को दर्शाती है कि वो प्यार कैसे करते हैं, है? उनका उनका वो हंसी का उनका क्या तरीका होता है हंसने का हंसाने का, और वहाँ की लाइव लोकेशंस पे हमने शूट किया, हरियाणा के अंदर जा जाके अलग अलग जगह अलग अलग गाँव के अंदर वहीं के एक्टर्स के साथ में शूट किया ताकि फ्लेवर आपको पूरा हरियाणा का मिले। और ये हरियाणा जो पिक्चर है ये कॉमेडी है और रोमांस से भरी हुई है, सारे गाने इसके बहुत खूबसूरत हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा राजा बसौना फिल्म, जिसके ऊपर आप देखेंगे आप टीज़र ट्रेलर और सारे गाने मौजूद हैं उसके अंदर, और फिल्म हमारी 5 अगस्त को रिलीज़ होगी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे ना तो आपको हरियाणा के बारे में बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको अब तक नहीं पता था।